आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नाक से अगर कभी अचानक से खून आने लगता है या कभी कोई मौसम ऐसा है जिसमें कि आपके नाक से ब्लीडिंग अगर होती है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन से कंडीशन में आपके नाक से खून आना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और कौन सा कंडीशन जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वाला है, आपको तुरंत ही अपने नियर के जो फिजिशियन सर्जन होते हैं उनके पास जा करके अपना ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में पूरा इसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताई हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से नाक से ब्लीडिंग होती है, जिसको कि हम लोग नेजल ब्लीडिंग बोलते हैं या इसी को मेडिकल टर्म्स में एपिस्टैक्सिस भी बोला जाता है। जनरली आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं और गर्मी का जब मौसम होता है तो वो अचानक से दिखता है कि उनके नाक से ब्लड जो है वो अपने आप से टपकने लगा है, तो क्या ये एक डेंजर सिचुएशन है। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज जो है वो हार्मफुल होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से कंडीशन नॉर्मल होते हैं और कौन से कंडीशन में आपको तत्काल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। नेजल ब्लीडिंग के लिए बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ आपके नेजल जो है उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस हुई है उसकी वजह से हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में ब्लीडिंग जो है वो होती है। सबसे पहले अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो चोट लग गया, तो उसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कोई फेशियल इंजरी हुई है, मतलब अचानक से कोई जो है वो बॉक्सिंग या कोई जो है वो गेम खेल रहा है, फेस में कोई चोट लग गया है, या कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से आपके नाक से ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रॉमेटिक इंजरी के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों कंडीशन जो हैं वो डेंजरस कंडीशन के अंतर्गत आता है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है तो आपको इस कंडीशन में तुरंत ही अपने नियर के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको मिलने की आवश्यकता होती है। बट इसके अलावा जो है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अचानक से मौसम जो है वो शुष्क हो जाना, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा है, उमस हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके नाक से ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि नाक के अंदर की जो म्यूकोजा होती है वो बहुत ही पतली होती है और उसके जस्ट नीचे जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये जो नाक है सिर्फ आपके सांस लेने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा अगर गर्म मौसम है, नाक होती है उस गर्म जो हवा होती है उसको आपके लंग्स में जाने से पहले उसके जो टेम्परेचर होती है उसको बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन कर देती है। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो वैसे कंडीशन में भी ये जो नाक होती है उस ठंडी हवा को पहले बॉडी के टेम्परेचर में लाती है, उसके बाद ही आपके लंग्स तक जाता है। यही वजह होता है कि बॉडी जो होती है वो बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म के अंतर्गत काम करती है। जैसे जब कभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी उमस का समय होता है या बहुत ज़्यादा ठंड का समय होता है तो नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल जो होती है वो रप्चर हो जाती हैं। ये कंडीशन जो है वो एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्लीडिंग जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल में हो जाती है और आप इसको घर पे ही सही भी कर सकते हैं। किसी को कोल्ड से एलर्जी होती है तो भी नेजल ब्लीडिंग हो सकता है। आप पर्वतों पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर वायु का दबाव जो होता है वो कम होने की वजह से ब्लीडिंग जो है वहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, केमिकल से युक्त है कोई एरिया, तो वैसे जगह पे भी कुछ लोगों के नेजल ब्लीडिंग जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस के बारे में बता रही हूँ जिस कंडीशन में ब्लीडिंग होना जो है वो भी स्वाभाविक सी बात हो जाती है। जैसे कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मतलब अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या अचानक से अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तो बॉडी जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नाक से ब्लीडिंग जो है उसकी हो सकती है। अगर किसी को साइनस में प्रॉब्लम होती है तो साइनस में इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर साइनस में इन्फ्लामेशन सूजन होने की वजह से भी नेजल डिस्चार्ज होते हैं। अगर किसी को बहुत लंबा जो है वो नाक में कोई एलर्जी हो रहा है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी नेजल ब्लीडिंग होता है। ऐसे कुछ कंडीशन होती हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें कि ब्लड को पतला करने वाली जो मेडिसिन है, अगर ऐसी कोई मेडिसिन चलती है तो भी नेजल ब्लीडिंग हो सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी नेजल ब्लीडिंग
सकती है, कोई बहुत लंबा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी नेजल ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि हाइपरटेंसिव मेडिसिंस लेते हैं उनमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर किसी में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो ऐसे लोगों में भी नेजल ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एज फैक्टर, अगर किसी की उम्र जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है या कोई बच्चे हैं, ऐसे लोगों में भी ब्लीडिंग जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन में हैं तो ऐसे कंडीशन में भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर अगर किसी में हार्मोनल बैलेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बैलेंस हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि एकदम नॉर्मल सी कंडीशन होती है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से नेजल ब्लीडिंग होती है तो बस उसमें विटामिन सी जो है वो कुछ महीनों तक लेना होता है, लाइक 1 to 3 months, उसके बाद जो है नेजल ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं जैसे कि कुछ ऐसे मेडिसिंस लेने की वजह से अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर एक या दो बार ऐसे ब्लीडिंग हुई है तो ये ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लीडिंग मानी जाती है। इसके अलावा भी अगर किसी को हमेशा नेजल ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे नाक में पॉलिप्स का बन जाना, छोटे छोटे से घाव जैसे बन जाना, नाक का जो बीच का पार्ट होता है स्पेक्ट्रम होता है, वो स्पेक्ट्रम अगर किसी का टेढ़ा है जिससे कि वायु का फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर नाक में अगर किसी भी तरीके की कोई बोनी प्रॉब्लम है, मतलब अगर उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर कमी है उसमें, तो उसकी वजह से भी नेजल ब्लीडिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बस कुछ ही ऐसे कंडीशंस हैं, लाइक आपका एक्सीडेंट हुआ है और उस कंडीशन में अगर नाक से ब्लीडिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत ही इमरजेंसी की ज़रूरत है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। या फिर अगर आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दवाइयाँ लेते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हमेशा से ले रहे हैं और आपके नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि कभी कभार होती है, इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से होती है या कभी कभार एज फैक्टर की वजह से होती है, तो ये जो कंडीशंस होता है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पेशेंटली जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हैं घर पे और एकदम से ठीक हो सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि नेजल ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं होती है। बस इतना होना चाहिए कि किसी भी वजह से आपके नाक के ऊपर या आपके फेस के ऊपर चोट ना लगा हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करने को मिलती हैं, ताकि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके या फिर ये समझ सके कि कौन सी कंडीशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।